here for my ear. भाई तू अब तक पढ़ रहा है? हाँ भाई, अभी तो ये टाइम पे इतने जल्दी इलाज से कैसे आ गया? कुछ नहीं, कोइंटर ने बोला वो संभाल लेगा, मैं सो जाता हूँ तब तक। अरे यार मेरे को थोड़ा पढ़ना है, तो तू एक का लाइट चालू रखूँ चलेगा ना? हाँ भाई मैं बहुत थक गया हूँ, सब कुछ चलेगा। थैंक यू। हाँ क्या कर रहा है अक्षर? क्या हो गया? ये लाइट्स क्यों चालू है और ये क्यों इतनी आवाज में कर रहा है? भाई सो रहा हूँ ना। अरे मेरी ड्यूटी है भाई 8 बजे, अभी नहीं भाई मेरी तो ड्यूटी है यार 8 बजे। हाँ भाई सो जा, कोई बात नहीं, लाइट बंद करके जाना। हाँ भाई। मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। भाई कितना समय यार तुम लोग को? अरे यार क्या है ये, छोड़ यार ऐसे ही चले जाता हूँ, तुम लोग का रोज का है ये। कुणाल भाई उठना, उठना भाई, 8 बजे की ड्यूटी है, जाना है कि नहीं? जा रहा हूँ ना यार। ओए उठ रहा हूँ ना यार, आ रहा हूँ ना अभी ड्यूटी पे 10 मिनट में। चल मैं निकल रहा हूँ, तू आ जा। बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यार। सॉरी यार भाई थोड़ा सा लेट हो गया यार। तेरा हमेशा का ही रहता है यार। कुछ काम है क्या? अब काम तो मैं वैसे सब कुछ कर ही चुका हूँ, क्या ही कर लेगा अब तो। बाइटन ट्रंपन भी सीखे ले चुका हूँ, वो भी मैं आता ही तू लेट है यार। और कुछ करना है क्या अभी? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना है। मैं नाश्ता करके आऊँ फिर? मतलब इतना लेट आओ और नाश्ता भी ना करो, ये क्या है तुम्हारा? देखना छोटू हमेशा ही तुम ऐसे करते हो। हाँ यार देख लेना यार, मैं आता हूँ। सर करते ही रह जाएंगे हम। क्या हो गया सर, क्या तकलीफ हो गई है? इसका USD का है। सॉरी सर रह गया था थोड़ा। अरे रोज रोज ऐसा ही कर रहे हो तुम लोग। सॉरी तुमको बोला था ना ऐसा नहीं करना है। सॉरी सर इसका शाम तक होना चाहिए। ओके सर पूरा काम करो इसका, ठीक है? ओके सर रोज रोज कर लेते हो। पूरा दिन ही खराब हो जाता है यार, रोज रोज का नाटक हो चुका है, रोज ये डांट करके जाते हैं सर। और काम ही क्या करता है वैसे भी तू, रोज अपन मैं ही काम करता हूँ और मैं ही डांट खाता हूँ। ठीक है ना यार, अगर तुमने कर भी लिया तो थोड़ा सा काम जाने पे छोड़, अब खाना ना खा लेते। क्या खाना खा लेते, रोज ये करता है यार तू कुणाल, जाने देना। चल अभी खाना खा करके आता मैं, टाइम हो गया है। लेट आओ और अभी खाना खाने भी जल्दी जाओ। कोई बात, खाना खा करके आता हूँ, फिर ले भी तेरा टिफिन लेकर के आता हूँ। ठीक है ठीक है, जा तू चले जा छोड़। ओके भाई।
चल रहा है आज कल? नहीं भाई मेरी तो कहाँ ही छुट्टी हुई है, 8 बजे तक की ड्यूटी है। क्यों तेरी छुट्टी हो गई क्या? हाँ भाई मेरी तो छुट्टी हो गई। बढ़िया नसीब है यार तुम्हारा। चल ठीक है जाए भाई। बाय। यार 2 बज गए हैं, ये कुणाल आया नहीं है अभी तक के, पता नहीं कहाँ रह गए, एक बार इसको कॉल लगाता हूँ। हाथन में। हेलो भाई कहाँ है तू, कब तक के आएगा? भाई खाना खा करके आया था, थोड़ी नींद आ रही है, मैं अपनी जगह किसी और को भेजता हूँ यार अभी रिप्लेसमेंट। हाँ तो तू तेरा रिप्लेसमेंट जल्दी से भेज। ओके काम करता हूँ, सौरभ को कॉल करके बोलता हूँ वो चला जाएगा। हेलो। हेलो गुप्ता। हाँ भाई बोलना। भाई सुनना यार, मेरा थोड़ी देर के लिए रिप्लेसमेंट करेगा क्या तू मेरे वार्ड का? भाई यार मैं बहुत अर्जेंट काम में बिजी हूँ यार। कर देना भाई। क्या हो गया तो? अरे नहीं भी कर पा रहा होगा तो देखना यार, किसी से एक बार पूछ के देखना यार कोई करता है। ठीक है ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ सौरभ भाई तुमने एक गाना बना मत करियो प्लीज। बोलना भाई। भाई एक रिप्लेसमेंट करना है कुणाल का। अभी? हाँ भाई फीमेल वार्ड में प्लीज भाई जल्दी। भाई अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। करना भाई कुछ तो कर। ठीक है भाई मैं करता जमा था कुछ। ठीक है भाई थैंक यू। भाई भाई इसका कॉल। हेलो। हेलो बात ना। हाँ बोलना भाई। सुनना भाई एक काम था यार, करेगा क्या? क्या काम था भाई? कुणाल का रिप्लेसमेंट बनना है तुझे फीमेल वार्ड में। अबे कुणाल का रिप्लेसमेंट तू गवार है क्या भाई? मैं तो खुद फीमेल वार्ड में पोस्टेड हूँ, क्या बोल रहा है तू? अरे क्या बोल रहा है यार तू ये? सॉरी भाई यार लेट हो गया थोड़ा। तो रिप्लेसमेंट है किसका है? अरे कुणाल ने बोला था यार। क्या यार जाने दे अभी, कुछ काम है क्या यार? काम तो कुछ है नहीं, बस तू एक काम कर फीमेल वार्ड के ब्लड लेके आ जा ब्लड बैंक से। चलेगा यार पर मेरे पास गाड़ी नहीं है यार, थोड़ा समय लगेगा। चलेगा ना तेरे को? आता हूँ मैं। जान दे भाई जा, चले ही जा। चल आता हूँ। अरे शेफ तू क्या कर रहा है भाई? मत पूछ यार, जेआर ने 2 मिनट के बोल के 2 घंटे लगा दिए। अरे यार मेरे को भी ब्लड बैंक जाना है यार। चल आ जा यार। चल आ जा बैग। चल यार। रिप्लेसमेंट उस प्राणी का नाम है जो ड्यूटी के काम छोड़कर बाकी सारे काम करता है, जैसे कि चाय नाश्ता करना, हॉस्टल पर आराम करना और रास्तों पर मिले दोस्तों से गप्पे मारना। अब आप इसी रिप्लेसमेंट को देख लीजिए किस तरह 10 मिनट के काम को 3 घंटे लगाता है। और भाई आ गया मैं ब्लड के पूरे काम करके। बहुत जल्दी आ गया तू, देख रहा है घड़ी में समय 8 बज गए। अरे यार मैं अपने रिलीवर को भी लेके आया साथ में। और भाई जा दे। क्या हो गया भाई?
भाई इतना दिन खराब गया, टीचर्स की डांट खाई पहले और मेरा को इंटर्न भी जल्दी घर चले गया, लेट भी आते रहता है। तो हुआ क्या है? बहुत तकलीफ है यार। तू टेंशन मत ले, अपन सब साथ मिलकर करेंगे। क्या ही मिलकर करेंगे हम साथ में, बता दो। अरे ये SR का कौन? हेलो, सर वो तो आज हो नहीं पाएगा अपने यहाँ पे, शाम की सोनोग्राफी तो होती नहीं है, कल ही होगी अपने यहाँ पे। जोर मत बोल मुझसे, तूने काम नहीं किया ना, सर तो 12 बजे तक रुकेगा। अरे सर प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। नहीं नहीं, तो 12 बजे तक रुकेगा। ठीक है सर, कर लेंगे, जाने दीजिए। क्या है यार, सही में यार हर बार का हो गया इनकार। तुम चिंता मत करो, अपन सब साथ मिलकर करेंगे। कैसे करेंगे यार? करेंगे, चलो चलो चल यार, चल चल यार। क्या हो गया मेरी जान? कुछ नहीं यार। भाई हो गया? हाँ भाई। भाई ये ले तेरा सोनोग्राफी भी। अरे भाई थैंक यू भाई, शांति के दिन सो पाएंगे यार। क्या ही सोएंगे, मेरा तो पूरा दिन वैसे ही खराब हो गया पूरा, मुझे भी सोने की बहुत जरूरत है। चलो यार चलो, खुशी मनाओ। ही दिन था यार अपना, आज की ड्यूटी थी यार, 12 को खत्म हुई। क्या ही काम किया तूने दिन भर, रिप्लेसमेंट ही तो भेज रहा था। कहना भाई चल आजा, अब आराम करते हैं। हाँ क्या आराम करते हैं यार, दिन भर ही काम करवाया तुम लोगों ने तो मुझको। क्या हुआ भाई, इतना लेट कैसे हो गया आज? बस कुछ भाई, आज का दिन बहुत खराब था। हाँ काम हम करे और थक जाओ तुम, ये भी बात सही है। अरे छोड़ ना भाई, Two hours later. हेलो सर, मैं तो घर आ गया था। इसको पूछ के घर गया, बेड नंबर 14 का बीपी मॉनिटरिंग कौन कर गया? सर लेकिन मेरी शिफ्ट तो खत्म हो चुकी है। मुझे मेरे से बहस मत कर, अभी के अभी इधर आ। ठीक है सर आता हूँ। कब खत्म होगी यार ये इंटर्नशिप? 23 मई से जब इंटर्नशिप शुरू हुई तभी से 365 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया था। स्टार्टिंग में JR's और सिस्टर की डांट सुननी पड़ी, पर साथ ही मामा और मौसी का प्यार भी मिला। टीचर्स ने कोई रिपोर्ट ट्रेस ना करने से खूब सुनाया और फिर ECG और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस का इम्पोर्टेंस भी समझाया। दोस्तों के साथ ये एक साल मानो कुछ पल में ही निकल गया और अब ए इंटर्न सुनने की हमारे दिन भी ख़त्म हुए। और एक बात कि हमारे साथ की जो फीमेल डॉक्टर्स है उनके सिस्टर और दीदी सुनने के दिन भी ख़त्म हुए। अब याद आएंगे वो पल जो बिताए थे साथ में हंसी और मजाक में, पर ये तो एक दिन होना ही था, हमें एक दूसरे से जुदा होना ही था। अब इसी एहसास के साथ आगे ज़िंदगी जीना है, हमारी नादानियों को जिम्मेदारी समझकर निभाना है।